वेरी गुड मॉर्निंग. टुडे वी स्टार्ट नाइन्थ क्लास चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड. पहले इसके थ्री पार्ट आ चुके हैं. आज अपने क्या है फोर्थ पार्ट करेंगे इसका. मतलब जो आपका मूल पार्ट चल रहा है कि बच्चा खो गया, भी वो मेले में जाता है, ठीक है, लोग भी मेले में जा रहे हैं, वो मेले के अंदर जो भी दृश्य जो रस्ते में जाता है, ऑन द वे जाता है, उसको फैसिनेट करते हैं, अट्रैक्टिव करते हैं, मतलब आकर्षित करते हैं, अपने खींचते हैं. तो उसके बारे में राइटर ने पूरा चैप्टर क्या लिखा, अपनी कल्पना शक्ति गुजार किया है. तो मैंने आपको बता दिया कि इसको मेले में जाता है, जो अन्य चीज़ें उसको, ठीक है, बी हो गई, या जो डव है, जो बारिश की हुई थी रस्ते के अंदर, ठीक है ना, जो चीज़ें घटनाक्रम हुआ वो आपको क्या पता लग चुका है. तो अपने क्या फोर्थ वीडियो में चैप्टर को आगे से स्टार्ट करते हैं. ये अपना जो हो गया उसके आगे से है, ठीक है. क्योंकि जो दृश्य होते हैं मेले में, जो बच्चा जा रहा है मेले में, कुछ दृश्य होते हैं, कुछ रस्ते दृश्य होते हैं, तो बच्चा क्या दर्शक को प्रति खिंचनेट्रैक्टिव हो जाता है. तो उन दृश्यों को देखते हुए उसे रुकना पड़ता है, उसमें खो जाता है. तो उसके माँ कहते हैं कि आओ बच्चे आओ. फिर वो उनके पास आता है, उनके बराबर चलता है. तो कुछ समय बाद क्या होता है, किसी को क्या पीछे रह जाता है. तो उसके बाद फिर उसके माँ कहते हैं कि आओ बच्चे आओ. क्योंकि मेले में रस्ते कुछ दृश्य ऐसे हैं, कुछ इस प्रकार के उनको चीजें हैं जो थिंग्स है, वो अट्रैक्टिव कर रही है, फिर मोहित कर रही है, आकर्षित कर रही है, एक्सपेक्ट कर रही है, कि वो भी जाता है, फिर पीछे ले जाता है. फिर माँ पुकारते हैं कि बच्चे आओ, चाइल्ड आओ. ऐसी कंडीशन क्या है लगातार होती जाती है. तो अपने आपके देखते हैं राइटर ने अपने कल्पना शक्ति इस प्रकार उजागर की है हमारे सामने. कम चाइल्ड कम, मतलब पीछे किसे बच्चा रह गया है, उस माँ कह रहे हैं आओ बच्चे आओ, आओ बच्चे आओ. दे कॉल टू द चाइल्ड, और बच्चों को पुकारते हैं. जो बच्चों को पुकारे माँ होंगे, बच्चों को नहीं पुकारेंगे, उसे पुकारेंगे. बच्चा पिछले कहते हैं क्या कॉल करते हैं, पुकारते हैं, आवाज करते हैं, बच्चे आओ, बच्चे आओ. हु हैड नाउ गॉन रनिंग, जो कि अब क्या जा रहा है. हु हैड नाउ जा चुका था, जो कि अब क्या जा चुका था. रनिंग होता है दौड़ के जा रहा है, रनिंग होता है दौड़ के जाना, ठीक है. ये फर्स्ट टेंस होता है जा रहा था, दौड़ के जा रहा था. जंगली बैलों की ओर से होकर क्या है वो यार बड़ी पेड़ की ओर जा रहा था. एंड गैदरिंग द हिम अप, वहां क्या इकट्ठे हो गए. अब दे टुक द नैरो रोड, अब क्या छोटी नैरो रोड जो संकरी रास्ता होता है वो बना लिया. मतलब वो वहां पर क्या है मैनेटरिंग जो बरगद का पेड़ है, ठीक है. मान लो क्या हो गया इकट्ठे हो गए, मान लो क्या गैदरिंग हो गई है, इकट्ठे हो गए बरगद का, बरगद का पेड़ होता है, ठीक है. दे टुक द मेरा वो संकरा रास्ता लेते हैं, वो छोटा रास्ता लेते हैं, पगड़ी वगैरह होता है जो डंडी होती है खेतों में, जो डंडी होती है रास्तों में, जो है खेतों में डंडी होती है, छोटा रास्ता होता है उसको वो उठा लेते हैं, जो लाइन बोलती है, ठीक है. लाइन छोटा मोटा रास्ता हो गया, लाइन हो गया, या फुटपाथ पगड़ी हो गया, मेरा उठाते हैं. मेरा होता है संकरा छोटा वाइडनिंग जो फुटपाथ एक मेरा छोटा सा क्या है फुटपाथ है पगड़ी बनाते हैं. बीच से लेट टू द फेयर, जो कि फेयर की ओर जाएगा, थ्रो द मस्टर्ड फेयर, जो कि यानी फेयर की ओर जा रहा है. फिर मतलब मेले की ओर जा रहा है, जो मेले का रास्ता है मेले की ओर जा रहा है, ठीक है. मस्टर्ड फील्ड होता है, मस्टर्ड फील्ड के अंदर एक पगड़ी है, मस्टर्ड फील्ड होता है सरसों का खेत, मस्टर्ड होता है सरसों. अपने मस्टर्ड ऑयल सुना होगा, मस्टर्ड सरसों फील्ड होता है खेत, क्योंकि सरसों के जो खेत की अंदर से जो पगड़ी जा रही है, ठीक है ना, उससे क्या है वो उन्होंने बांसी का जाना शुरू कर दिया, ठीक है ना, खेत की ओर मेले की ओर. तो मेले की ओर आगे बढ़ रहे हैं. एज दे नियर्ड द विलेज, जैसे वे गांव के पास पहुंचते हैं, पास में ठीक है पहुंचते हैं गांव के पास में, गुजरते हैं पहुंचते हैं. द चाइल्ड सी मेनी अदर फुटपाथ, तो बच्चा वो अनेक प्रकार क्या है पकड़ के देखता है. बच्चे क्या है जो बच्चा है सी होता देखता है, देख सका, ठीक है. मेनी होता अनेक होते दूसरी फुटपाथ है, पकड़ के चलने का रास्ता देखता है. फुल ऑफ जो बड़े फुल ऑफ ट्रंक्स कवरिंग टू द वाइड पूल ऑफ द हेयर, मतलब उसके अंदर मेले के जो कवर्स थे जो लगे होते उसको देखता है, ठीक है. एंड फेल्ट एट वंस रिप्लेड एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजिंग ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटर्ड, कि वह जिस संसार में प्रवेश करता है कर रहा है, मतलब मेले में प्रवेश कर रहा है, मतलब जिस संसार में प्रवेश कर रहा है उसके बाद उसके अंदर क्या है तो जिसे उसमें प्रवेश करता है उसे एक तो उसके प्रति उसे आकर्षित होता है, किसी ने आकर्षित होता है, आकर्षण होता है उसके अंदर आकर्षित होता है, और वो कंफ्यूजन होता है उसके अंदर गलत फहमी उत्पन्न हो जाती है, गलत फहमी उसको उत्पन्न हो जाती है. मतलब उसके प्रति उसे एक तो अट्रैक्टिव होता है, कुछ गलत भी लगता है. मतलब वो क्या नए संसार में प्रवेश कर रहा है, नए के अंदर प्रवेश कर रहा है, उसे बढ़ रही है, नए स्तर होता है इसके अंदर उसमें प्रवेश कर रही है, उसी के कंफ्यूजन होती है, गलत फहमी होती है, लेकिन उससे वो चीज़ आकर्षण भी करती है, आकर्षण करती है, अट्रैक्टिव करती है, ठीक है ना, अपनी ओर खींचती है.
वो भी समझ क्या है, उसे क्या फीलिंग महसूस होती है, क्योंकि उसने क्या नए संसार में मतलब मेले के रंग में मेले में प्रवेश कर लेकिन मेले में क्या होता है टॉयज होते हैं, स्वीट्स मिठाइयाँ होती है, झूले होते हैं, जादू खेल होते हैं, ठीक है, कई प्रकार के खिलौने होते हैं, तो वहाँ पर एक प्रकार से रंगीन सोचते हैं तो संसार रंगीन लगता है, क्योंकि मेले में जो सजावट होती है, पोस्टर होते हैं, जो चीज़ें लगी होती है, तो इससे मान लो कि वहाँ पर एक रंगीन के एक रंगीन संसार आ गया, तो उसमें जो प्रवेश करता है तो नॉर्मल सी बात है कि प्रवेश करेगा तो क्या है बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा उसको महसूस भी उसके लगे होगा। तो मूवी के इस पार्ट में उस मेले प्रवेश करता है, उसे लगता है जैसे कि एक नए वर्ल्ड में प्रवेश कर लिया है, एक रोमांटिक वर्ल्ड में प्रवेश कर लिया है, उसे कंफ्यूजन भी होती है और वो उसको संसार प्रति क्या होता है आकर्षित होता है, उसके अंदर एक आकर्षण भी आता है, वो खींच जाता है मेले के दर्शन को देखने के लिए, ठीक है, उसे मेले कैसे अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा है क्या है, स्वीट मीट सेलर हॉकड, एक मिठाई वाला क्या है होता है जिसमें आवाज लगाना फेल वाला भी उसको बोल सकते हैं, होकड़ मतलब आवाज लगाता है, गुलाब जामुन रसगुल्ले बर्फी जलेबी इंडस्ट्री उसके पास क्या चीज़ है, तो गुलाब जामुन है, ठीक है, रसगुल्ले भी हैं, ठीक है, बर्फी है, जलेबी है, मिठाइयाँ वहाँ पर क्या लगी हुई है, मेले के अंदर मेले के अंदर मिठाई भी होती है अनेक प्रकार की, ठीक है, इसका क्या है बढ़िया गुलाब जामुन थे, रसगुल्ले थे, बर्फी थी और जलेबी थी, जो इतनी चीज़ होगी तो क्या होगा मेले के दर्शन और भी मिठास वाला सुंदर हो जाएगा। तो बच्चा है, बच्चा क्या होता है खिलौने चाहिए या खाने पीने चाहिए, दो चीज़ बच्चों के लिए टेंशन तो भरी होती है, तो बच्चे उससे क्या होगी संबोधित हो गए, तो वो इस पैरेंट ने बताया कि वहाँ पर क्या है आवाज लगा रहा था, कर रहा था खेल का, गुलाब जामुन हो गया, स्कूल बर्फी जलेबी थी, कॉर्नर कोने पर कोने पर ये चीजें हुई हुई थी, वो इंटरेस्ट जैसे भी प्रवेश करते हैं वहाँ पर कोने में ये चीजें थी, जैसे भी बच्चे ने प्रवेश किया उसी कोने में मिठाई वाला मिला और वहाँ पर क्या है गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी और जलेबी चीजें वो क्या बांध मतलब उसकी आवाज लगा रहा वो उसकी क्या एक दुकान शो कर रही थी इन चीजों की, तो देखो तो बच्चों को क्या खाने की चीज दिखेगी तो उससे उस पर भी आकर्षित होगा, खिलौने दिखे उस पर आकर्षित होगा। वो राइटर ने बताया एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड द किचन काउंटर, एक क्राउड थी, क्राउड का भीड़ थी ठीक है ना, भीड़ का प्रेशर था उसके चारों ओर थे काउंटर में, जिसको काउंटर का शॉप थी उसके चारों ओर क्या भीड़ थी मिठाई बेचने वालों की, अपने कह सकते हैं कि जो मिठाई बेच रहा था पकड़ मारा था वो उसके चारों काउंटर की क्या थी भीड़ थी, भीड़ का प्रेशर भी था एक प्रकार से भीड़ थी, मतलब काफी लोग भीड़ थे। एट द फुट ऑफ एन आर्किट ऑफ मैनी कलर, अनेक प्रकार से कला के रूप में मिठाई बचाया गया था, जैसे मिठाई भी ऐसे फेंकने जिस मार होता है चीज फेंक देते हैं, ऐसे ही मिठाई को जचाने की भी कला होती है, वो एक है भव्य कला होती है, उस प्रकार के मिठाई चाहिए जाती है, जैसे मतलब जलाते हैं बर्फी जाते हैं रसगुल्ले रखते हैं, वो भी एक कला होती है, अपने की एक क्या सजावट होती है, वो सजावट की होती थी ना डेकोरेटेड ढंग से क्या सजाया हुआ था उसको, ठीक है, अनेक प्रकार के कलर की मिठाई थी, कलर वाली मिठाई थी, कलर की हुई थी, ठीक है, इसके अलावा क्या था डेकोरेटेड सजाई मिठाई थी, सजावट थी विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, उस पर क्या थी परतें थी सिल्वर की चांदी की सोने की, मतलब चांदी तो ये एक परत होती है धातु, मतलब परत बोल सकते हैं सिल्वर और गोल्ड की एक परत मिठाई होती है, आप देखिए होटल के अंदर वैसी परत चढ़ी हुई थी जो कि उसको क्या फैशन करती नहीं, तो अब क्या शॉप बैठे हुए थे काउंटर के आसपास थे नए मिठाई खरीद रहे थे, और मिठाइयाँ एक बहुत ही गजब तरीके से जचाई हुई थी, मतलब उसको सेट किया डेकोरेट किया था, और उस पर क्या सिल्वर और गोल्ड की क्या लीव्स परतें थी वो उसके क्या थी, इसके अलावा अनेक कलर की मिठाई थी, एक कलर था उनका अनेक रंग था और वो बहुत ढंग से क्या जचाई हुई थी, तो अब ये चीज़ें बच्चों को अपने खींचेगी नहीं खींचेगी, उसके मुँह में पानी नहीं आएगा अपने खींचेगी तो दिक्कत बढ़ जाती है, तो वो ही दृश्य मेरे का है जो होना चाहिए, राइटर ने बताया जो राइटर दिमाग में उसने क्या राइट पार्ट में चैप्टर में बता दिया लिख दिया है। अब क्या है द चाइल्ड स्टेट का घूमना, एक मतलब स्टेट होता है लगातार एक चीज़ को देखना, तो बच्चा था वो लगातार क्या स्टेट करता उसको घूमता रहा चीज़ों क्या देखता रहा कि मिठाइयाँ देखो मिठाई देखेगा देखता रहा, ठीक है, ओपन आइड खुली आंखों से, क्योंकि घूमना मतलब खुले आंखों से देखना होता है, ओपन आइड खुली आंखों से चीज़ को देखता रहा मिठाई को, एंड हिज माउथ वाटर उसके मुँह में क्या वाटर पानी आ गया, देखो मिठाई लेकर बैठी हुई मिठाइयाँ तो पानी आना स्वाभाविक है, उसके मुँह में क्या आ गया वाटर पानी आ गया, बच्चे में पानी आना स्वाभाविक है पानी आ गया, फॉर द बर्फी बर्फी के लिए उसके मुँह में पानी आ गया, बर्फी से कुछ ज़्यादा क्या टेस्ट अच्छी लगी, उसके मन खराब बर्फी खाएं तो बर्फी देखिए उसके मुँह में क्या पानी आ गया, देट वॉज हिज फेवरेट स्वीट जो उसकी फेवरेट था पसंद की मिठाई थी क्या थी बर्फी, मगर उस बच्चे की अपनी मतलब पार्ट के अंदर लास्ट स्लाइड के अंदर उजागर कर रहे हैं कि किस प्रकार वो मेले में जाते हैं
और बच्चा क्या से देखता है, मतलब बच्चे में इसकी ज्यादा फोकस किया गया, पार्ट का नाम क्या था, लॉस्ट चाइल्ड बच्चा हो गया, तो ये पार्ट क्या है उस बच्चे के लिए, मेरा बच्चे को कौन सी अटेंटिव कर रही है, एफिशिएंट कर रही है, सॉरी कर रही है, बेस्ट कर रही है, ठीक है। तो बच्चों की इमोशनल रिफ्लेक्शन इंक्लूड, जो बच्चे का एटीट्यूड है, रिफ्लेक्शन है, उसके विचार, उसकी थॉट है, ठीक है, उसकी वर्दी है, उसके गुण है, वो इसमें दर्शाई है। एक बच्चा होता है मेरे बताओ क्या चीज देखता है, किस पर कष्ट होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, और वो क्यों रखते करता है, उसके बारे में क्या है। आपने अब तक पढ़ रहे पाठ के अंदर तो वो इसके अंदर भी बताया गया है कि वो रास्ते में जा रहे हैं, मास्टर फील्ड के बीच में जा रहे हैं, वो इकट्ठे होते हैं, आगे जैसे रेलवे फील्ड करता है, तो उसके लगता है संसार में क्या उसने क्या प्रवेश कर लिया है, वो कन्फ्यूजन में पड़ता है, गलती पड़ जाता है, ये क्या है, मतलब हमारा संसार कैसा है और मेरा कैसा मीन है, ठीक है। लेकिन उसे क्या अच्छा भी लगता है, वो जो मेरे का दृश्य है उसे क्या फैसिनेट नहीं करता है, मतलब अक्ष भी करता है, और फिर उसके अंदर क्या होता है बाथरूम देखता है तो लोग बहुमती खड़े होते हैं, तो वो भी क्या उसे कम करता है मिठाइयों में, उसमें पानी ज़्यादा ऐसे बर्फी देखता है, बर्फ उसकी फेवरेट मिठाई थी। तो ये आज तक मतलब ये आज तक अगर आप समझा रहे हो जो मैंने आज कराया है अपनी फोर्थ बजे के अंदर, इसको दो तीन बार भी देखोगे तो वो ढंग से क्या समझ आ जाएगा, ठीक है। मीनिंग आपको पता लगे, मेरी लाइन आपको समझा दी होगी, इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सी बात है, एक जो राइटर की जो थिंकिंग है वो किस प्रकार मेरे का वर्ण करना चाहता है, और बच्चे को किस प्रकार वो बच्चे के विचारों को हमारे सामने रखा जाता है, उसको अपने विचार एक बार सामने क्या रखें, ठीक है। दो तीन बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, धन्यवाद।